साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। 21 दिन का लॉकडाउन हो रखा है पूरी कंट्री में, मतलब समझ रहे हो हालत कितनी क्रिटिकल है। वेल, मुझे घर पे बैठे हुए ऑलरेडी 7 दिन हो चुके हैं और इन 7 दिनों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मतलब मोस्ट ऑफ माई डेज वर लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग, बहुत सारी पबजी खेली, थोड़ा बहुत ऐसे खाना वाना भी बना लिया और एक्सरसाइजेस भी कर ली, बट यूजली मैं दिन बर्बाद ही कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सवाल ये है कि 21 दिन तक करें क्या, घर बैठे तो बोर हो जाएंगे। तो मैंने तो अपनी बोरियत का जुगाड़ निकाल लिया हुआ है, क्योंकि देखो ऐसा है कि मेरे को यूट्यूब बनाने में बहुत मज़ा आता है और मेरे को काफ़ी देर से टाइम नहीं मिल रहा था कि अपने यूट्यूब वीडियोज़ पर काम करने के लिए। अब इसको मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करने वाला हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट ऑल दीज डेज। हो सकता है सारे ब्लॉग सेम हो, कुछ नया हो ना हो, कुछ आए नया नहीं आए, बट दीज विल बी मोर लाइक फॉर मी टू मॉनिटर माई सेल्फ कि मैं क्या करता हूँ 21 दिनों में एंड आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और क्योंकि अब मेरे पास टाइम है, इट्स मोर लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क ऑन माई वीडियोज, थिंक अबाउट आइडियाज, मेक कॉमेडी स्केचेस, मजे करते हैं यार। तो दिस डे वन ऑफ 21 डेज लॉकडाउन और ये मेरा पहला दिन है। आई एम राइट नाउ इन माई हाउस जम्मू सिटी और मैं अपने घर पे हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे को नहाना है, आज मैं काफ़ी लेट उठा, लाइक 11:30 बजे, बहुत लेट। तो अभी फ़िलहाल नहाना है मेरे को, बट नहाने से पहले आई वॉज थिंकिंग मैं अपने बॉडी और हेयर का थोड़ा ध्यान रखूँ, बिकॉज टाइम है तो क्या करना है यार, कैसे करना, कैसे यूटिलाइज तो करेंगे। तो अभी मैं कल रणवीर अलाहाबादिया की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने हेयर के केयरिंग के टिप्स दिए थे, तो अभी वो कुछ टिप्स फॉलो करते हैं, ऐसे ऑयलिंग करेंगे फिर उसके बाद नहाएंगे। तो चलो फटाफट ज़रा तेल वेल लगा लेते। ओह ये तो मेरे बाल जो है वो थोड़े ड्राई हैं, तो इसलिए मैंने सरसों के तेल के साथ जो है नारियल तेल थोड़ा मिक्स किया, बिकॉज नारियल तेल इज़ गुड फॉर रफ एंड ड्राई स्कैल्प्स। तो अभी वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद नहाए धोएंगे और फिर उसके बाद आगे का दिन कंटिन्यू करेंगे। सो बालों में ऑयल लगा लिया हुआ है एंड अभी मैं इसको 1 घंटे तक रखूँगा, बिकॉज वो अच्छे से सोक हो जाए, उसके बाद सिर धोऊँगा। तब तक मैं बैठ के अपना थोड़ा वीडियो एडिट करूँगा, थोड़ा बहुत घर के काम निपटा लूँगा, यू नो, यूटिलाइजिंग टाइम। इसी तरह से आप भी अपना टाइम यूटिलाइज करिए और डू नॉट वेस्ट इट, बिकॉज ये बहुत ऐसे गोल्डन टाइम है, तो भैया अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से अप्लाई करो। वॉइस ओवर कर लिया तूने? सो एज यू गाइस ऑलरेडी नो, दिस इज़ माई सिस्टर प्रिया एंड शी ऑल्सो रन्स अ यूट्यूब चैनल। तो इसने कल घर पे बैठ के फेस मास्क बनाया, विच इज़ क्वाइट क्रिएटिव। सो अगर आप लोगों को उसकी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक बायो में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड वैसे तुझे कितना टाइम लगा बनाने में? मेरे को हां वीडियो बनाने में, वीडियो नहीं मतलब ऐसे मास्क बनाने में कितना टाइम लगा? आधा घंटा। आधा घंटा, नॉट बैड। और तुमने बनाया किस चीज़ से? क्लॉथ बैग वो यूज एंड थ्रो वाला है ना वो? यस। नाइस। चलो लिंक इन द बायो, जाके देखना एंड सपोर्ट करना एंड सपोर्ट हर एज वेल। पहले सब्सक्राइब की मांग कर ले तू, भिखारी लोग। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं थोड़ी देर में। मौसम के भी क्या ही कहने, आज सुबह तक इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी दोपहर में धूप। और स्मार्ट लग रहा हूँ आज यार, नहीं? ब्लॉग बनाने के चक्कर में गिरना तो गिरता तो डांट बड़ी पड़ती। चलो
पंचो बनाने। वैसे इस चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे मेरे को काफ़ी दिनों से अच्छा लग रहा है कि मैं घर का ही खाना खा रहा हूँ, वरना मैं बाहर का काफ़ी ज़्यादा खाता था और बहुत ऑफनली खाता था। तो अभी फ़िलहाल इसके कारण मैं थोड़ा अपना हेल्थ पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ, एंड अच्छी बात है। तो हर बुरी चीज़ के कुछ अच्छे फ़ायदे भी होते हैं। सो बेसिकली मी एंड माई यंगर ब्रदर, मेरे चाचू का बेटा, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी बी प्लेइंग क्रिकेट, और हम लोग इंडोर क्रिकेट खेल रहे हैं आज घर के अंदर ही, बिकॉज बाहर जाना अलाउड नहीं है। बैट है नहीं, जुगाड़ रहे हैं। तू भी खेलेगा? खेलेगा तू? फील्डिंग करेगा? फील्डिंग करेगा, बॉलिंग करेगा? क्या हो गया डॉबी? तो ये भैया हमारी पिच है, जहाँ से बॉल डलेगी वहाँ पे बैटिंग होगी। रूल्स क्या है? सेम वही वाले। तो अगर उस घर में गई तो आउट है, इधर बाहर का आउट नहीं है, इधर भी आउट नहीं है ना। यहाँ पे ये वाली बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री है, चौका छक्का इसके बाहर है, और नाली में बॉल गई तो जो फेंकेगा वही उठा के लाएगा। हाँ बस, रूल्स क्लियर है भैया, अब खेलेंगे। पीछे से आ गया, बैठे रहने चलो। तो मैंने 3 ओवर पूरे खेले, मैंने 1 रन भी नहीं मारा और एंड बॉल पे आउट हो गया। अब आरएम की बैटिंग है। जीत गया, पहला मैच में हार गया, आरएम बोरा विनर। 4 रन मारे अगले में। चलो। पापा ने मारे 6 रन, अरम ने 27, मैंने 4। गेस आई गॉट अ लिटिल स्क्रैच ऑन द एल्बो व्हाइल ट्राइंग टू फील्ड एंड स्टॉप द बॉल, पर चलो कोई नहीं, खेल कूद में लगती रहती है। अभी एक मैच और खेलेंगे हम लोग, है ना? जवाब ही नहीं दिया भाई, देख तू तो पहले भी आ चुकी है। हाँ, तू हर बार ही ऐसी होती है, पिछली बार भी तेल लगाया था तूने। क्रिकेट मैच सारी स्मार्टनेस की तो माँ बहन होगी, बट मज़ा आया खेल के, काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्कआउट हो गया। 2 मैच मैं जीता, बाकी हरम और पापा जीते। तो बेसिकली मेरी फ्रेंड सौम्या ने मुझे चैलेंज किया कि मैं इतनी हाइट तक केक उठा सकता है नहीं, तो लेट्स सी, चैलेंज एक्सेप्टेड मैडम। तो सो जस्ट फिनिश द वर्कआउट, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट किया आज भी, मिक्स किया आज टॉप से लेके बॉटम तक, चेस्ट, बैक, ट्राइसेप, बाइसेप। मेरे पास बाइसेप्स करने के लिए डंबल्स नहीं थे, सो आई यूज्ड दीज 2 बकेट्स। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, इट वॉज अराउंड 2.5 kg ऑन 1 साइड। तो इस तरह से जुगाड़ से जो है आज का वर्कआउट किया है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सही, थक गया हूँ, बट अभी थोड़ी बची हुई वीडियो जो है उसको एडिट करना है, एंड उसके बाद फिर
मेरे को मॉम डैड के साथ थोड़ी हेल्प करवा के, बिकॉज आंटी वांटी सब मेड वेड सब छुट्टी में हैं, तो आजकल घर के काम हम लोग ही कर रहे हैं, तो वो सब करवा के फिर सो जाऊँगा। मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। दिस वॉज द इंटायर फर्स्ट डे ऑफ 21 डेज जो मैंने स्पेंड किया। इस ब्लॉग से अगर आपको कुछ भी मिला हो, कुछ भी, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, हो सके तो शेयर कर देना, बाकी अप टू यू। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग विच इज़ टुमारो। तो कल देखते हैं कल कैसा दिन जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ 21 डेज एट होम और काफ़ी सक्सेसफुली और काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया मैंने। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो। तो अब कल मिलते हैं, बाय बाय।